क्यों होया पुत्र? कुछ नहीं चाहिए जी। अरे तो फिर क्यों घूम घूम के टांगे थका रहा है? जा जाकर सो जा, जा। चाय जी देखिए ना क्या वक्त हो रहा है और बाबूजी का कुछ ज्यादा पता नहीं है। उन्होंने शुरू में ही कहा था कि वो सिर्फ दिन में गाड़ी चलाएंगे और अब देखिए क्या वक्त हो रहा है। हाँ पुत्र फिक्र तो होनी ही है, मुझे भी हो जाती है। कह भी रहे थे उनकी आंखों में कुछ तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाना है, कुछ धुंधला सा दिखाई देता है और ऐसे में फिर वो गड्डी चलाना। कई बार तो जी में आता है चाय जी कि कहीं जाकर मर जाऊं मैं। हाँ रब्बा। रहने दीजिए चाय जी, कोई कुछ करने नहीं देता, कम से कम बोलने तो दीजिए। आप ही बताइए चाय जी, एक जवान बेटे के होते हुए अगर इस उम्र में उसका बाप मेहनत मजदूरी करे और परिवार का पेट पाले तो बेटे को तो शर्म से मर ही जाना चाहिए ना। पुत्र तकलीफ तो होनी है, जिसे तकलीफ होती है वो जरूर कुछ करता है। पुत्र मुझे पूरा विश्वास है तू अपने बाबूजी का जरूर दुख दूर करेगा। वो सब बात की बात है चाय जी, पहले आप उनको ये समझाइए कि इतनी देर रात को टैक्सी ना चलाया करें। ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ले दिल तेरे बाबूजी आ गए। देखदा रवा ए कमाल है, प्यो घर में घुसा नहीं कि पुत्र जी चल दिए ना, मुंह क्यों लटकाया हुआ तूने? चाहिए इसकी पिटाई शिटाई तो नहीं कर दी? नहीं जी, शशि को तो फिक्र हो रही थी कि इतनी देर हो गई बाबूजी आए क्यों नहीं अभी तक। अरे 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 तेरे को मेरी फिक्र हो रही थी हाँ? बेटा जी जब तक आपके ये बाबूजी है ना, ये फिकर लफ्ज भी अपने दिमाग से निकाल दो। नहीं बाबूजी, चाय जी बता रही थी कि आपकी आंखें कमजोर हैं और उसके झट ना यार, चाय जी बता रही थी। चाय जी बहुत फिक्रें करने लग गए हो आप। और जी आज मैंने एक गुरु मंत्र मिला है कि जो अपनी बीवी को खुश रखे समझो आप भी सुखी रहेगा। बड़ी देर से मिला जी गुरु भी आपको, अगर पहले मिल गया होता तो। अजी गुरु का नाम सुनोगे ना तो हिल जाओगे सारे के सारे। गुरु का नाम है श्री स्वामी 108 ओबेरॉय जी महाराज। अरे ये तो वही है ना जिनके बेटे से अपनी। अरे बिल्कुल वही है, वही बम्बे होटल के मालिक। एकदम अपने ही टाइप के हैं। अरे आपको कहाँ मिल गए? सुंदर के टावे पर मैं चाय पी रहा था, वो पीने वास्ते आए थे। मिस्टर बलवंत ओबेरॉय चाय पीने ढाबे पर? क्या नहीं आ सकते? ओ पुत्र जी, भगवान तो हर इंसान को एक जैसे माहौल में ही जन्म देता है। वही खुला आसमान, वही आबो हवा, वही जमीन, लेकिन ये इंसान जो होता है ना अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर देता है, पैसे की, नाम की, रुतबे की, ऊंची नीची कौम की, और फिर उन्हें फलांग के जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो ऐसा कर पाता है वही सच्चा, वही खरा इंसान होता है। तो जी बलवंत ओबेरॉय भी मुझे एकदम ऐसे ही इंसान लगे। अब अपनी निम्मों के रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा।